नमस्कार, मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 7 और 8 में जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्रश्न पत्र है उसके बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या आधार है, उसके संबंध में कौन कौन से प्रमुख मत है अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार से संबंधित, उनका अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार क्या है, इस संबंध में हम निम्नलिखित प्रमुख मतों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे प्रकृतिवादी मत। प्रकृतिवादी मत के समर्थक विधि शास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक कानून का एक भाग है। दूसरे शब्दों में, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक कानून का एक भाग है और प्राकृतिक कानून उनसे उच्च कानून है। इस मत के स्पष्टीकरण के लिए प्राकृतिक कानून के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम, प्राकृतिक कानून धर्म से संबंधित था, उसे देवी कानून समझा जाता था, किंतु 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्राकृतिक कानून का धर्मनिरपेक्ष रूप सामने आया। विख्यात विधिवेता ग्रोसियस ने प्राकृतिक कानून के धर्मनिरपेक्ष रूप को प्रस्तुत करते हुए इसे मनुष्य का उचित तर्क बताया। ग्रोसस के अनुयायियों ने प्राकृतिक कानून को एक आदर्श कानून के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि मनुष्य की तर्कोचित प्रणाली प्राकृतिक पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी इसलिए है क्योंकि वह वस्तुतः प्राकृतिक कानून का ही एक भाग है जिसका विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक कानून के विख्यात विधिवेता वेटल ने 18वीं शताब्दी में अपना यह दृढ़ मत प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है। इन प्रकृतिवादी मत के अन्य समर्थकों में प्यूफेनडॉर्फ, क्रिश्चियन थामेसियस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी मत के अनुसार प्राकृतिक कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है और इसे प्राकृतिक कानून में ही बंधनकारी शक्ति प्रदान की है, किंतु कठिनाई यह है कि इस मत के विभिन्न अनुयायियों ने प्राकृतिक कानून के अलग अलग अर्थ बताए हैं। इस प्रकार प्राकृतिक कानून का अर्थ बहुत ही अनिश्चित बन गया है। एक मुख्य दोष ये भी है कि प्रकृतिवादी मत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा वास्तविकताओं और राज्यों के वास्तविक व्यवहारों पर आधारित नहीं है। यद्यपि इन आलोचनाओं के बावजूद ये सुनिश्चित है कि प्राकृतिक कानून ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को काफ़ी प्रभावित किया है और आदर्शवाद के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर प्रभाव डाला है। अस्तित्ववादी मत, जो दूसरा मत है वो है अस्तित्ववादी मत। अस्तित्ववादी मत अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार के रूप में प्रकृतिवादी मत से सहमत नहीं है। इस मत के समर्थकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार राज्यों का वास्तविक व्यवहार है। संधियां और प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख स्रोत हैं। अस्तित्ववादी मत का 18वीं शताब्दी में बहुत बोलाबाला रहा है
और उसके प्रमुख समर्थक बयांकर सोएक ने अनेक पुस्तकें लिखकर इस मत को उचित ठहराया। अस्तित्ववादियों ने अपना अंतिम विश्लेषण ये भी प्रस्तुत किया कि राज्यों की इच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम का आधार राज्यों की सहमति है। अस्तित्ववादियों की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून के उन नियमों का समूह है जिन्हें राज्यों ने अपनी शक्तियों को स्वतः कुछ करके अपनी स्वीकृति या सहमति प्रदान की है। अस्तित्ववादियों का मत अधिकांश राज्यों के वास्तविक व्यवहारों पर आधारित है, किंतु इनकी अनेक दृष्टियों से आलोचना की गई है। धन्यवाद।